नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा की हैरियर के बारे में, एमजी की हेक्टर के बारे में और ह्यूंडई की ऑल न्यू वेन्यू के बारे में। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो में जो भी प्राइसेस दोस्तों मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कीजिएगा अगर आपको अपने शहर में इन सारी चीज़ों की प्राइसेस जाननी है। तो बहुत बार ये देखा गया दोस्तों कि जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो हमेशा यूट्यूबर्स में एक एक्साइटमेंट होती है और एक रेस लगी होती है कि जल्द से जल्द उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अपने व्यूअर्स के साथ में कैसे शेयर करें। और उस एक्साइटमेंट में बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कई सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमारे नज़रों के सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों पर मैं बात करूंगा जो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपके साथ में इन गाड़ियों के बारे में शेयर नहीं की है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें आपको अपने लिए एक बेहतर विकल्प यानी कि बेहतर ऑप्शन चुनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कहूँगा कि आपको ये गाड़ियाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद में इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्राइस लिस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ और ये सारी जानकारी जेन्युइन सोर्सेस से और शोरूम से एंड जो भी नेशनल कस्टमर केयर्स होते हैं इनके वहाँ से इकट्ठा करने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, हैरियर ने अपने आप में एक बेंचमार्क बाकी सारी आने वाली गाड़ियों के लिए सेट कर दिया था और जो भी नई गाड़ियाँ आने वाली हैं उन्हें उस बेंचमार्क तक पहुँचना पड़ेगा। हैरियर के साथ टाटा एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आया और पहली बार उन्होंने इंडिया में जो हेडलाइट यूनिट होती है उसकी जगह बदल कर उसे स्ट्रेट अवे नीचे फॉग लैंप की जगह पर लाकर बिठा दिया। हैरियर के डिज़ाइन को ये काफ़ी सारा सूट भी करता है और उसकी वजह से हैरियर की काफ़ी सारी तारीफ भी हुई है। नो डाउट इट इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड फिनोमिनल डिज़ाइन। वही ट्रेंड फॉलो करते हुए एमजी ने भी अपनी हेक्टर में हेडलाइट की असेंबली या यूनिट को नीचे फॉग लैंप की जगह ला के बिठा दिया। सेम थिंग इज़ फॉलोड बाई दी ह्यूंडई वेन्यू एज वेल और उसे भी ये बेहद खूबसूरत दिखता है, सूट भी करता है उसके डिज़ाइन में। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पुरानी गाड़ियों में ट्रेडिशनल जगह पर जहाँ पर हेडलाइट हुआ करती थी उनके टकराने की और टूटने के चांसेस कम होते थे अनलेस आपकी गाड़ी सामने सामने कहीं टकराई हो। अब नई जगह जो एक सेंसिटिव जगह है जहाँ पर सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमेशा आपकी गाड़ी का बम्पर वहाँ पर स्क्रैच लगते हुए आपको नज़र आते हैं, डिवाइडर से टकराते हुए नज़र आते हैं, किसी ऑटो वाले से टकराते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हेडलाइट की असेंबली वहाँ पर आने की वजह से नुकसान का खतरा अब ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आपको सिर्फ बम्पर बदलवाने की या बम्पर की डेंटिंग पेंटिंग करवाने की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन अब आपको हेडलाइट की असेंबली चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ट्रेंड बहुत अच्छा है दोस्तों और तीनों गाड़ियों में ये सारी चीज़ें बेहद ही खूबसूरत नज़र आती हैं, इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है। लेकिन जो कंज्यूमर इन गाड़ियों को ख़रीदने वाले हैं इन सारी चीज़ों की वजह से ज़िंदगी आसान होनी चाहिए और हमारे पॉकेट पर जो बोझ होता है गाड़ी ख़रीदने के बाद में वो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता दोस्तों। नए ट्रेंड के चलते आपकी गाड़ी की हेडलाइट यूनिट भी डैमेज हो सकती है और ये यूनिट अगर डैमेज होती है तो कंज्यूमर के पॉकेट पर काफ़ी सारा तनाव बढ़ने वाला है, बहुत सारा खर्चा उन्हें करना पड़ सकता है। हालांकि ये चीज़ें इंश्योरेंस में कवर होती हैं, लेकिन किसी ऐसे मौके पर अगर आप फंस जाते हैं जहां पर ये चीज़ आपको इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होती है। अगर हेडलाइट की कॉस्टिंग की आप बात करें तो टाटा हैरियर की एक हेडलाइट की यूनिट 22,000 रुपये की, यानी कि दोनों मिलाकर आपको तकरीबन 44,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बम्पर की कॉस्टिंग आपको 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हैरियर के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। एमजी हेक्टर की अगर हम बात करें तो एमजी हेक्टर की एक हेडलाइट यूनिट की कॉस्ट तकरीबन 25,000 रुपये हैं, दोनों के मिलाकर आपको 50,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं और बम्पर के लिए
20,000 रुपीज का खर्चा आपके पॉकेट में हो सकता है। वहीं ह्युंडई वेन्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 16,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको हेडलाइट की यूनिट मिल जाएगी और बंपर का खर्चा तकरीबन 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक हो सकता है। तो पहले आपको जो सिर्फ बंपर का खर्चा हो सकता था, अब वो उसके साथ में हेडलाइट की यूनिट भी एक एडिशनल बर्डन आपके जेब के लिए बन गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरे की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।